कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया जा रहा है। इसके चलते आज मथुरा के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के हृदय स्थल होली गेट से लेकर गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना की गई और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर कैंडल मार्च को अंतिम रूप दिया गया। इस संबंध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन दिनों भाजपा सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति या राजनेता इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार के द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए नेताओं के ऊपर लगातार कार्रवाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा षड्यंत्र रच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रच कार्रवाई की गई है, जो कि निराधार है, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह विरोध करते हैं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर आक्रोश व्याप्त करते रहेंगे। आज हालात बद से बदतर हो चले। भाजपा सरकार तानाशाह रवैया अपनाते हुए अपनी कार्यप्रणाली को अंजाम दे रही है। वहीं भोली भाली जनता का शोषण कर दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। समय रहते सरकार द्वारा सही निर्णय नहीं लिए गए तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को मजबूर होगा और एक बड़े आंदोलन की तरफ आग्रह होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमने तो पहली बार इतिहास में सुना है जो कि केंद्र की सरकार, सत्ता पक्ष की सरकार, जो कि लोकसभा को नहीं चलने दे रही है। जब विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी किसानों का मुद्दा उठाते हैं, व्यापारियों का मुद्दा उठाते हैं, छात्रों का मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं के मुद्दा उठाते हैं और जो क्रोनी कॉलेज की जो बात करते हैं और उनको संसद में नहीं बोलने दिया जाता है, जब राहुल गांधी जी JPC लागू करने की बात कर रहे हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ज़माने में JPC लागू की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में JPC लागू की गई थी, PV नरसिंह राव जी के में JPC लागू की गई थी, राजीव गांधी जी के ज़माने में JPC लागू की गई थी, तो मैं ऐसे कौन से इनके संत हैं जो कि JPC लागू नहीं कर रहे हैं। ये हिटलर और तानाशाही का पूरा रवैया अपनाए हुए हैं और बड़े दुख की बात है। जब लोकतंत्र में, जब संविधान के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब हमको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जब लगातार जन जन की आवाज़ को बुलंद करने का काम लोकसभा में कर रहे हैं, उनके ऊपर मनगढ़ंत जो कि कानून से ऊपर, कुछ जजों ने भी कानून से ऊपर उठकर उनकी संसद की सदस्यता को ख़त्म करने का काम किया है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश की भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एजेंट के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। अब ये लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक होगी और देखते हैं इस मोदी सरकार को कब तक ऐसे जुल्म किसानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर। आप देख रहे हैं कितने दिनों से जो भी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है उनको फर्जी मुकदमों में दर्ज करके उनको मानसिक उत्पीड़न करने का काम किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे इनको किसी भी चीज़ का बलिदान देना पड़े। जब कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, महात्मा गांधी जी हों, हमारे सरदार भगत सिंह जी हों, सुखदेव गुरु जी हों, उन्होंने अपनी जान फांसी के तख्ते पर झूलकर हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बानी दी। मैं पूछना चाहता हूँ इस भाजपा सरकार से, इनका कौन सा नेता है ऐसा जो कि इस देश के लिए शहीदों में अपने प्राणों की आहुति दी हो। गांधी नेहरू परिवार की बात करते हैं, गांधी नेहरू परिवार ने हमेशा इस देश के लिए बलिदान दिया है, शहादत दिया, उन्होंने अपना खून का लू इस देश की मिट्टी में मिलाकर इस देश को सजोने का काम किया है। हम सब कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, चाहे हमको फांसी पर ही क्यों नहीं लटकाया जाए, हम हंसते हंसते इस देश के लिए अपने प्राण नौछावर करने के लिए तैयार हैं। ये केवल इतना ही कहना है कि ये संघ और BJP पूरी तरह से उस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं जिसके पिताजी ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, जिसके पिताजी देश के लिए मर मिटे, जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, उसको देशद्रोही घोषित करने का काम कर रहे हैं। और वो लोग जो विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की आम जनता का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, ऐसी सरकार के लोगों को बचाने के लिए, ऐसे व्यापारियों को बचाने के लिए
ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। जब राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने संसद में बीजेपी को घेरने का काम किया है, तो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा घिनौना काम बीजेपी की सरकार ने किया है। और मैं बताना चाहता हूँ, इस देश का एक एक